अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम सर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इन विच वी हैव एनालाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर एज वेल। Today we are going to start the very next topic, that is aggregate demand and why aggregate demand curve is negatively sloped. आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड के बारे में स्टडी किया होगा। इंडिविजुअल डिमांड किसी एक कमोडिटी की डिमांड है किसी एक इंडिविजुअल के लिए, किसी एक कमोडिटी की डिमांड है, जबकि मार्केट डिमांड जो है वो एक कमोडिटी की पूरी मार्केट में जितनी डिमांड है, जबकि एग्रीगेट डिमांड जो है ये ओवरऑल कंट्री की डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल कंट्री की डिमांड है। ऑब्वियसली जो कंट्री की ओवरऑल डिमांड है वो एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट होती है और उसको फिर हम रियल GDP बोलते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द अमाउंट ऑफ रियल आउटपुट, रियल GDP दैट बायर्स कोलेक्टिवली डिजायर टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस। एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द अमाउंट ऑफ रियल आउटपुट दैट बायर्स कोलेक्टिवली डिजायर टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस। सो यू कैन से दैट एग्रीगेट डिमांड कर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, फर्स्ट वन इज प्राइस लेवल एंड सेकेंड वन इज रियल GDP डिमांडेड। लेट्स कंपेयर दिस एग्रीगेट डिमांड विद द इंडिविजुअल डिमांड जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी। अब जो इंडिविजुअल डिमांड है वो भी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। एक है प्राइस, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की प्राइस, जबकि जो इसमें वेरिएबल एग्रीगेट डिमांड में वेरिएबल कंपेयर किया जा रहा है वो है प्राइस लेवल। ये ओवरऑल प्राइस लेवल है, ये कंट्री का प्राइस लेवल है जिसे हम इन्फ्लेशन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सूरत में मेजर करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में दूसरा वेरिएबल था डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, वो किसी एक कमोडिटी की डिमांड थी, जबकि यहाँ पे है रियल GDP डिमांडेड, मतलब ये ओवरऑल कंट्री की डिमांड है, ओवरऑल कंट्री के एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर ही तो डिमांड जनरेट करते हैं ना, तो ये ओवरऑल कंट्री की डिमांड है। सो एग्रीगेट डिमांड जो है ये पूरे कंट्री के डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे कंट्री के डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। सो एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द रियल अमाउंट ऑफ GDP डिमांडेड बाय द इकोनॉमी, एंड there is a inverse relationship between these variables, means when the price level rises the quantity of real GDP demanded decreases and when the price level falls the quantity of real GDP demanded increases. agar price level mein izafa hota hai to aapki real GDP kam ho jati hai aur agar price level mein kami aati hai to real GDP mein izafa ho jata hai. the inverse relationship between the price level and real GDP is shown in the following diagram. When the aggregate demand curve slopes downward, as does the demand curve for an individual product. जैसे हमने individual product के लिए देखा कि demand curve जो है वो negatively sloped है, इसी तरह aggregate demand curve भी जो है वो negatively sloped है. So aggregate demand curve shows the amount of real GDP or output that buyers collectively desire to purchase at each possible price. So here you can see that on the y-axis there is a price level and on the x-axis there is real GDP, and you can see that aggregate demand curve is negatively sloped. Agar price level zyada hota hai to real GDP जो है वो कम है, और अगर प्राइस लेवल में कमी आती है तो रियल GDP ज्यादा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हियर इज दैट
वाई एग्रीगेट डिमांड कर विद नेगेटिवली स्लोप, वाई एग्रीगेट डिमांड कर विद नेगेटिवली स्लोप। जिस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो नेगेटिवली स्लोप क्यों है, जबकि उसकी रीज़न जो है वो इनकम इफेक्ट एंड सब्सटिट्यूशन इफेक्ट है, जबकि एग्रीगेट डिमांड के नेगेटिवली स्लोप होने की रीज़न जो है वो इट कैन बी एक्सप्लेन विद थ्री इफेक्ट्स, रियल बैलेंस इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, फॉरन परचेज इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। फर्स्ट वन इज रियल बैलेंस इफेक्ट। हम देखते हैं कि किस तरीके से ये नेगेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। बेसिकली ये एक्सप्लेन करेगा वाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, और यू कैन से दैट वाई देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी, कि प्राइस लेवल में और रियल जीडीपी में नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, इसको एक्सप्लेन करेगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बढ़ जाता है कमोडिटीज का, ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ा है ऑब्वियसली, सो इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी। हाउ इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, देखें कमोडिटीज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एक्सपेंसिव हो गई हैं, जो जो कल 50 रुपए की चीज मिल रही थी आज आपको 100 रुपीज की मिल रही है, सो यू नीड मोर मनी टू बाय द सेम कमोडिटी। इट मीन्स योर रियल वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्लाइन, सो योर परचेजिंग पावर विल डिक्लाइन एंड पब्लिक बिकम्स पुअर इन रियल टर्म्स। अब देखें ना, नॉमिनल टर्म्स में आपकी इनकम उतनी ही है, नॉमिनल टर्म्स में आपके पास पॉकेट में जितने पैसे थे उतना ही है, लेकिन रियल टर्म्स में आप पुअर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सो यू विल बाय लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो योर स्पेंडिंग डिक्लाइंस। जब आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ऑब्वियसली हम स्पेंडिंग को ऐड करके ही तो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, सो योर रियल जीडीपी विल आल्सो डिक्लाइन। सो दिस इज हाउ रियल बैलेंस इफेक्ट एक्सप्लेन्स द नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी, और यू कैन से दैट दिस इज हाउ रियल बैलेंस इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स सपोज के देर इज अ राइज इन द प्राइस लेवल, इट विल रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ मनी, उससे क्या होगा, रियल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी, सो योर परचेजिंग पावर विल डिक्लाइन, सो पब्लिक बिकम्स पुअर इन रियल टर्म्स, सो योर स्पेंडिंग डिक्लाइन, योर रियल जी डी पी डिक्लाइन। सो इस तरीके से जो प्राइस लेवल और रियल जी डी पी में नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है, इट इज एक्सप्लेन थ्रू रियल बैलेंस इफेक्ट। Second reasons that explain why aggregate demand curve is negatively sloped is interest rate effect. Let's suppose there is a rise in the price level. Price level mein idafa hota hai. So consumer needs more money to buy goods and services. Firms need more money to purchase it, raw material and products. जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो कंज्यूमर और फर्म्स को ज्यादा पैसे चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, सो मनी डिमांड इनक्रीज, इससे क्या होगा, प्राइस लेवल के बढ़ने से आपको ज्यादा पैसे चाहिए शॉपिंग करने के लिए, सो मनी डिमांड इनक्रीज, जबकि सप्लाई फॉर मनी जो है दैट इज एग्जोजनसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज कॉन्स्टेंट और फिक्स्ड। सप्लाई फॉर मनी जो है वो सेंट्रल बैंक की तरफ से एग्जोजनसली डिटरमिन की जाती है और ये फिक्स है। तो जब मनी डिमांड में इजाफा होता है तो इससे इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाएगा। कैसे? देखें, जब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब लेबर की डिमांड बढ़ती है या किसी फैक्टर की डिमांड बढ़ती है तो उस फैक्टर की प्राइस बढ़ जाती है, मतलब लेबर की डिमांड बढ़ी तो वेजेस बढ़ जाएंगी। इसी तरह जब मनी की डिमांड बढ़ती है तो मनी की प्राइस बढ़ जाती है, एंड इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी।
जब मनी डिमांड बढ़ेगी तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। आपने इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पढ़ा है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगी, एंड इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑफ जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, आई इसमें आ रहा है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के डिक्लाइन होने से रियल जीडीपी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। कितनी डिक्लाइन होगी मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है। सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एक्सप्लेन द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी, और यू कैन से दैट दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो। किसी को कन्फ्यूजन है इसमें तो पूछ सकता है। थर्ड रीजन दैट एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लो इज फॉरेन परचेज इफेक्ट। द फाइनल रीजन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इज फॉरेन परचेज इफेक्ट। लेट्स सपोज देयर इज अ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल बढ़ता है। अब ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ता है ना, ये किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल नहीं है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो इसमें उन गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बाहर के कंट्री में सेल कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स मतलब, उनका प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा। सो एक्सपोर्ट्स विल डिक्लाइन, एक्सपोर्ट्स महंगी होगी, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर जाएगी। और दूसरी तरफ क्योंकि डोमेस्टिक कमोडिटीज का प्राइस लेवल बढ़ा है, तो हो सकता है कि आप जो इम्पोर्ट्स इम्पोर्टेड कमोडिटीज हों वो सस्ती हो चुकी हों हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की निस्बत। सो योर इम्पोर्ट्स बिकम मोर चीपर एंड योर इम्पोर्ट्स इंक्रीज। एक तरफ एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही हैं और दूसरी तरफ इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है इम्पोर्ट्स इंक्रीज हों, ठीक है, अगर इन दोनों में से एक फैक्टर भी हो जाता है दोनों केसेस में नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। इम्पोर्ट्स कैसे चीपर हो सकती हैं, देखें डोमेस्टिकली इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइस लेवल बढ़ा है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आइटम्स महंगी हो गई हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो बाहर की कोई चीज़ हो वो सस्ती मिल रही हो। जैसे आप टिश्यू पेपर की एग्जाम्पल ले लें तो जो मेड इन पाकिस्तान वाला है वो एक्सपेंसिव है और जो मेड इन मलेशिया वाला है वो सस्ते हैं। जैकेट्स हैं, लेदर जैकेट है, जो मेड इन पाकिस्तान वाली है वो 10,000 की है और जो मेड इन चाइना है वो 7,000 की है या 5,000 की है। सो दिस इज हाउ के इम्पोर्ट्स कैसे इंक्रीज हो जाती हैं। फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी महंगी हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगी, और दूसरी तरफ हो सकता है कि इम्पोर्ट्स जो है वो सस्ती रह जाएँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आइटम्स की निस्बत, इसलिए इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी। दोनों केसेस में या किसी एक केस में आंसर सेम ही होगा कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी, और नेट एक्सपोर्ट दैट इज इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑफ जीडीपी, बिकॉज जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, एंड एन एक्स इज नेट एक्सपोर्ट। जब नेट एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो जाएगी तो रियल जीडीपी डिक्लाइन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ फॉरेन परचेज इफेक्ट एक्सप्लेन व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो you are free to ask. The source of today's lecture is Book of Economics by McConnell, Brew and Flynn, 18th edition, chapter 29, Aggregate Demand and Aggregate Supply. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।